आज हम लोग बनाएंगे पत्ता गोभी। पहले इसका ऊपर वाला छिलका हटा लीजिए। अब इसको हम लोग काट लेंगे, दो भाग में पहले इसको बांट लीजिए। इसको इस तरह से काट लीजिए, तो हो जाए। काट लेने के बाद पत्ता गोभी को हम काट लिए हैं। अब 5 से 6 आलू ले लेते हैं, उसको अच्छा से कट करते हैं। हम लोग इसमें डाल लेते हैं। 3 हरी मिर्च ले लीजिए, इस तरह से इसको कट कर लीजिए। इसमें लहसुन ले लीजिए, ऐसे छोटे छोटे काट लीजिए। एक मीडियम साइज का प्याज ले लीजिए, उसको अच्छा से काट लीजिए। तीन छोटा टमाटर ले लीजिए, तेल डाल लीजिए इसमें, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दें। प्याज डाल, लहसुन डाल, ज़्यादा हरी मिर्च डाल। चला कर रही है, उसके बाद ये भून चुका है। अब ये आपको धीमी आँच पर कर दीजिए। अब इस पर पत्ता गोभी, अभी मसाला नहीं डालना है, पहले पत्ता गोभी भून लेना है, उसमें पानी फिर पका हुआ आलू डाल दीजिए। हम लोग इस पर नमक डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गोलकी जीरा सब मिक्स है। लहसुन डालेंगे इसमें, गरम मसाला, मिर्च मसाला, टमाटर काट के डाल दीजिए छोटा छोटा। लीजिए, इसमें पानी नहीं डालना है, इसी में जो पानी छोड़ेगा उसी से इसको भुनाना है, भून लेना है। लीजिए और इसको ढक दीजिए। इसको आप देख लीजिए एक बार कि हुआ है कि नहीं, अभी नहीं हुआ है, अच्छा से इसको होने दीजिए। बन के रेडी हो चुका है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।